आपने देखा होगा कि ऊंट की पीठ पर कुछ उठा हुआ भाग होता है जिसे हम कूबड़ कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पीठ पर कूबड़ क्यों होता है? तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप रोजाना देख सकेंगे। देखिए, ऊंट ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें शिप्स ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। कुछ ऊंट पर आपको एक कूबड़ देखने को मिलेगा तो कुछ ऊंट पर आपको दो कूबड़ देखने को मिलेंगे। ये उनके प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है। ड्रोमेडर प्रजाति जिन्हें अरेबियन ऊंट भी कहा जाता है, उनके पीठ पर एक कूबड़ होता है, तो बैक्ट्रियन प्रजाति के ऊंट के पीठ पर दो कूबड़ होते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ऊंट अपने कूबड़ में ही पानी को जमा करते हैं, लेकिन यह गलत है। हाँ, ऊंट जरूर काफी ज्यादा पानी को अपने पेट में जमा कर सकते हैं, लेकिन वो पानी कूबड़ में नहीं जमा होता। ऊंट अपने कूबड़ में चर्बी को जमा करते हैं, जिसे फैटी टिश्यू कहा जाता है। जी हाँ, जब ऊंट को भोजन की कमी होती है तो ऊंट को इसी चर्बी से एनर्जी मिलती है। ऊंट ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जिससे उन्हें भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ऊंट के पीठ पर कूबड़ विकसित हुआ है। ऊंट के पीठ पर चाहे एक कूबड़ हो या दो कूबड़ हो, उनमें सिर्फ चर्बी ही जमा होती है। उनका शरीर जब चाहे तब उस चर्बी से एनर्जी ले सकता है, और इसी कारण की वजह से ऊंट ज्यादा दिन तक बिना खाए पिए रेगिस्तान में रह सकते हैं। इस कूबड़ के कारण ऊंट के शरीर का तापमान नियंत्रित रहने में भी मदद मिलती है। दिन में तापमान जब ज्यादा होता है तब ऊंट शरीर का तापमान कम रख सकते हैं और रात में ठंड में शरीर को गर्म रख सकते हैं। यदि ऊंट अपने कूबड़ में पानी को नहीं जमा कर सकते, लेकिन फिर भी वो पानी काफी ज्यादा मात्रा में अपने पेट में जमा कर सकते हैं। ऊंट लगभग 20 से 30 गैलन तक पानी को पेट में जमा कर सकते हैं, जिसके कारण वो रेगिस्तान में बिना पानी के कुछ दिन तक रह सकते हैं। ऊंट की रक्त कोशिकाएं अंडाकार होती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा मात्रा में पानी को पेट में जमा कर सकते हैं। रेगिस्तान में ऊंट को हमेशा कम पानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कुदरत से ही उनमें एक क्षमता विकसित हुई है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।